श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई भगवान श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। नंबर 1, फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। नंबर 2, स्वयं का आकलन करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता हासिल कर लेता है। नंबर 3, मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। नंबर 4, क्रोध पर काबू रखे। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखना चाहिए। नंबर 5, स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जय श्री कृष्णा।